नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक। कहां तेल की चोरी के लिए खोद डाली गई एक सुरंग, ये खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में अमनदीप। साइलेंट किलर ने कहा ले ली है बुजुर्ग की जान, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। राजस्थान के पाली में बड़ी सुरंग का खुलासा हुआ है। यहां पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पाइपलाइन से एक पेट्रोल पंप तक सुरंग बनाकर तेल चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। पाली जयपुर हाईवे पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC की पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन इसी पाइपलाइन के पास से पेट्रोल पंप तक बड़ी सुरंग बनाई गई थी, जिसकी गहराई 10 फीट, लंबाई 100 फीट और 4 फीट चौड़ी थी, जो पेट्रोल पंप तक जाती थी। सुरंग में आधे इंच की पाइपलाइन डाली गई थी, जो मुख्य पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर पेट्रोल पंप के टैंक से जोड़ी गई थी, और इस तरह तेल चोरी का काला धंधा फल फूल रहा था। पाइपलाइन गुजरात के मुंद्रा से हरियाणा के पानीपत तक बिछी हुई थी। सोमवार को IOC और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची और सुरंग खोदकर पूरे मामले का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पंप मालिक राजेंद्र जैन मौके पर नहीं मिला, लेकिन पंप के मैनेजर प्रदीप माली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसने खुलासा किया है कि HCPL कंपनी ने ये पेट्रोल पंप राजेंद्र जैन को आवंटित किया था, जिसने आकाश जैन और सोहन लाल विश्नोई को लीज पर पेट्रोल पंप दे दिया था। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप काफी सालों से बंद था और 3 महीने पहले ही किराए पर लिया गया था। पुलिस को पता चला कि पंप के पास से ही IOC की पाइपलाइन निकल रही थी। क्रूड ऑयल की चोरी करने और बेचने के लिए ही पेट्रोल पंप को दोबारा से शुरू किया गया था। IOC की तरफ से थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। अभी तक यहां से कितना तेल चोरी हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। कौन कौन इस पेट्रोल पंप से सीधे तौर पर जुड़े हैं, फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगरा से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक अस्पताल में बम होने की सूचना के बाद से हड़कंप मच गया, लेकिन अस्पताल में कोई बम नहीं था। क्या है पूरी खबर, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। आगरा के एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की टीम बम होने की सूचना के बाद तलाशी लेने पहुंची। थाना हरि पर्वत क्षेत्र के अस्पताल में मौजूद स्टाफ से लेकर मरीज और तीमारदार दंग रह गए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर पुलिस की टीम पूरे दलबल के साथ क्यों पहुंची है। पुलिस ने मॉकड्रिल के नाम पर रात के समय में ही तलाशी अभियान छेड़ दिया। कई घंटों तक अस्पताल में बम की तलाशी की गई, सर्च ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं मिला, जिससे साफ हो गया कि बम होने की सूचना महज अफवाह है और जिसने भी सूचना दी है वो पूरी तरह से गलत थी। लगातार मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल के नाम को देख रहा था और उसने अंत में पुष्पांजलि हॉस्पिटल में फोन करके सूचना दे दी कि उनके हॉस्पिटल में बम रखा गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर थाना पुलिस के साथ ही बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। टेलीफोन कॉल के माध्यम से एक व्यक्ति ने सूचना दी कि हॉस्पिटल में बम लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी खाली कर दो, इस बात को गंभीरता से लेना, अगर हल्के में लोगे तो पछताओगे। इस सूचना पर तत्काल हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा लोकल पुलिस स्टेशन पर सूचना दी गई और सूचना पाते ही थाना हरि पर्वत पुलिस एक्शन में आई। पुलिस लाइन से BDDS टीम और रेस्क्यू टीम तत्काल थाने में पहुंची, तत्काल हॉस्पिटल में पहुंची और हॉस्पिटल में पहुंच के सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया। सर्च अभियान के दौरान किसी भी तरह की कोई भगदड़ ना मचे, पुलिस ने इसका पूरा ख्याल रखा था। किसी भी समय बम की सूचना से भगदड़ और माहौल बिगड़ सकता था। इतना ही नहीं, पुलिस ने अस्पताल में मौजूद लोगों को वहां से निकालने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया था। हम लोग ने ये भी कोशिश की कि अगर क्या जरूरत पड़ने पे पूरे हॉस्पिटल को इवैक्यूएट किया जा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में लगभग 20 मरीज ICU में एडमिट थे जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। तो इस प्लान के बारे में सोचा ही जा रहा था और जो फोन कॉल आई थी उसको ट्रेस करने का भी काम शुरू किया गया। इसके बाद पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई जिसने बम की सूचना दी थी। पुलिस की टीम ने उसकी लोकेशन को ढूंढ निकाला। कॉल करने वाले शख्स की पहचान अलीगढ़ के इगलास के रहने वाले मुकेश के रूप में हुई है।
बाद में पुलिस ने मुकेश को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के सामने मुकेश ने जो बताया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने पुलिस से कहा कि वो 15 साल पहले एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की ने उसे नहीं अपनाया, जिसकी वजह से वो बहुत आहत था। वो उससे नफरत करने लगा। उसका नाम अस्पताल से मिलता जुलता था और इसी वजह से उसने अस्पताल में बम की झूठी खबर फैलाई। कॉल करने वाला व्यक्ति जब इसके पास तक पुलिस पहुंची, ये एक अलीगढ़ का रहने वाला व्यक्ति है और पूछताछ में पता चला यह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, इसका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि मुकेश का इलाज आगरा के एक डॉक्टर के पास चल रहा है। जाहिर है मुकेश ने प्यार में चोट खाकर इस कारनामे को अंजाम दिया, लेकिन उसकी एक हरकत से पुलिस प्रशासन से लेकर अस्पताल तक में खलबली मच गई। युवक के परिजन थाने पर आए थे, उन्होंने माफीनामा लिखवाया है, उसके बाद अब युवक को छोड़ दिया गया। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।